Students, my self Parvez parvisbad, a source person died, in Bandipura. Dear students, today I am going to deliver my lecture number eight. In this lecture, we will discuss the traits. We will try to understand what traits are, and we will try to understand how traits can be classified. Dear students, the next portion of your chapter is evolution in order to understand the evolution we should have the concepts of traits so for that today we will try to understand the concept of traits so my dear students when we are talking about the traits we should know what character is so dear students as i have already told you character is an हेरिटेबल फ्यूचर एमंग द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग दैट मीन्स ऐसा फीचर जो ट्रांसमिट होता हो फ्राम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग या जो सिमिलर है बिटवीन द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग उसको हम करेक्टर कहते हैं तो माई डियर स्टूडेंट्स जब हम ट्रीट्स की बात करते हैं सो ट्रीट्स जो है दे आर एक्चुअली द वायरेंट ऑफ करेक्टर्स र वी कैन से दे आर दार्ट ऑफ करेक्टर आर वी कैन से दे आर द स्पेसिफिक करेक्टर्स वट डज दैट मीन देयर स्टूडेंट्स देयर आर सो मेनी करेक्टर्स विच गैट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इन एनी टाइप ऑफ लिविंग स्पीसीज सो बट करेंट करेक्टर्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स करेक्टर जो होता है ये एग्जिस्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट वैरेंट्स में जिसे हम कहेंगे वेरेंट्स Forms, तो वही फॉर्म्स वही वेरेंट्स ऑफ करेक्टर उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइट माई डियर स्टूडेंट्स हाइट इज एक्चुअली अ करेक्टर इफ यू फाइंड आउट ए पॉपुलेशन यू कैन फाइंड दैट देर आरसर्संस विद डिफरेंट हाइट्स सम मे बी टॉल सम मे बी शॉर्ट आर वी कैन से डिवा सो डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉलनेस है या डिवाफनेस है दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ ए हाइट दैट मीन्स हाइट जो है दैट इज द करेक्टर एंड दिस टॉलनेस एंड डिवाफनेस इज द ट्रेट और वी कैन टेक डिफरेंट एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कलर कलर इज ए करेक्टर वेदर इट इज रेड ब्लू ब्लैक एट्सट्रा दैट विल बी द ट्रीट सो माई डियर स्टूडेंट्स जो ट्रीट्स होते हैं जिनको हम स्पेसिफिक करेक्टर्स कहते हैं विद इन द इंडिविजुअल तो ये जो स्पेसिफिक येक्टर्स होते हैं ये डिटरमाइन होते हैं ड्यू टू जीन्स बिकॉज जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी तो यही डिटरमाइन करते हैं ट्रेड्स को लेकिन सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन हो जाती है विद द विदायरमेंट और जब एनवायरमेंट चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली उसमें भी चेंजस आ जाती है उनकी ट्रेट्स में भी चेंज आ जाती है तो उसमें भी ट्रेट्स डेवलप होते हैं यानी ट्रेट्स ड्यू टू द वेरेशन इन द जीन और ट्रेट्स में भी ड्यू टू द एनवायरमेंट। सो टूर स्टूडेंट्स वे आर क्लासिफाइंग ट्रेट्स इंटू टू क्लासेस इंटू टू ग्रुप्स इं टू टाइप्स वन इज द एक्ट ट्रीट एंड सेकंड इज द इन्हर्ट ट्रीट्स एक्ट ट्रीट्स वेरी सिम्पल ऐसे ट्रीट्स जो ऑर्गेनिज्म में इन्हर्ट ना होते हो यानी कि विच नेवर गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ऐसी ट्रीट जो ट्रांसमिट ना होते हो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक बट वो डेवलप होते हैं ड्यू टू रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट यानि कि जो ट्रीट्स इन रेस्पॉन्स टू तो एन्वायरमेंट डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूर ट्रीट्स यानी कि जो एक बंदा जो एक ऑर्गेनिज्म एक्यूर करता है ड्यू टू तो वेरिएशन इन द एन्मेंट ड्यू टू तो चेंज इन द एन्वायरमेंट उनको हम एक्यूट ट्रीट्स हैं तो जब हम एक्यूर ट्रेट्स की बात करते हैं वी विल कैन टेक द एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स हमारे पास एक बीटल्स की पॉपुलेशन है तो उनको कुछ टाइम तक खाना नहीं मिलता है तो ड्यू टू स्टॉवेशन देयर वेट कैट्स लॉस उनका जो वेट है वो कम हो जाएगा एंड व्हेन देयर फ्यूचर जनरेशन विल कम देयर वेट विल नॉट बी लॉस दे विल नॉट बी वीक वो कमजोर नहीं होंगे दे मे बी स्ट्रांग बिकॉज देर इज नो चेंज इन द जीन दिस वेरिएशन दिस वेरिएशन ऑफ Weak uh, variation in the weight, dear students, is acute trait. So when we are talking about the acute traits. दोज आर द ट्रीड्स विच कॉन्ट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ऐसे ट्रीड्स को हम ट्रांस ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग बिकॉज यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज़ द एन्वायॉयरमेंट जब इनको खाना नहीं मिला इन बेटल्स को तो ये कमज़ोर होगी लेकिन इट डजेंट मीन जो इनकी ऑफ स्प्रिंग होगी वो भी कमज़ोर होगी क्योंकि उनमें जीन्स में वेरिएशन नहीं आएगी और जब जब वेरिएशन जीन्स में नहीं आती है लेकिन एक ट्रीट्स एक्यूर करता है तो उनको हम बोलते हैं एक्यूअर ट्रीट्स और एक्यूर ट्रीट्स जो होते हैं ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं फ्राम पेरेंट तो टू ऑफ स्प्रिंग डयर स्टूडेंट्स जो हमारा दूसरा टाइप है ट्रीट्स का दैट इज इनहेरिटेड ट्रीट्स सिंपल वी कैन अंडरस्टैंड इट इजली दोज ट्रीट्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट तो टू ऑफ स्प्रिंग विच आर इनहेरिटेबल जो ट्रांसमिट होते हो तो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में तो उनको हम कहते हैं ट्रेड्स तो एनोड ट्रेड्स की जब हम बात करते हैं एक्चुअली दिस इज द रिजल्ट एनोट्री ट्रेड्स आर द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द जीन्स जब जीन्स या डीएनए में चेंज होती है वेरिएशन आ जाती है वहां पे ट्रीट्स डेवलप हो जाते हैं और जब जेनेटिक वेरिएशन इनके अंदर आ जाएगी ओबियसली इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सो सच ए वेरिएशन विच आर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन वी कॉल देम एज एन इनहर्टिड ट्रीट्स और जो इनहर्टिड ट्रीट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो ट्रांसमिट होते हैं फ्राम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग वी कैन टेक द एग्जाम्पल ए सिंपल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ वी अगैन टॉक अबाउट द बीटल्स जब हम बीटल्स की बात करेंगे फिर से फॉर एग्जाम्पल दियर इज अ रेड पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स इन द ग्रीन बुशस रेड पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स की थी ग्रीन बुश में लेकिन जब इनकी ऑफ स्प्रिंग आ गई ड्यू टू रिप्रोडक्शन देयर वॉज अ चेंज सम्स कैम फॉर्वर्ड ड्यू टू रिप्रोडक्शन कुछ ग्रीन बिटल्स भी आ गई डू टू रिप्रोडक्शन द वेरिएशन टू प्लेस इन दियर जीन्स एंड ड्यू टू विच कलर गेट्स चेंजड इन द बीटल्स एंड दिस ट्रीट which is actually due to the change in the genes can be transmitted from parent to offspring so in the future generation there may be green beetles also because these green beetles uh, are due to the genetic variations we can take many examples for example if we talk about the acute rates if we cut the tail of a rat when rat will reproduce देयर ऑफ स्प्रिंग्स विल नाव नॉट हैव ए कटेड टेल उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनमें वो टेल जो होगा वो कटेड नहीं होगा वाई बिकॉज दैट इज द एक्ट ट्रीट एक्ट करेक्टर बट इफ देयर इज देयर इज वेरिएशन जूरिंग देयर प्रोडक्शन देयर इज वेरिएशन इन द जीन सो वेन द ऑफ स्प्रिंग कम्स With different characters, with different features, and those characters, those different features can be transmitted from parent to offspring, and we call them as inherited traits. So, my dear students, when we understand what are acute traits, what are inherited traits, we can understand the evolution. Thank you.